नमस्कार, मेरा नाम मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काले इतिहास का फैसला लिखना शुरू कर दिया है। सीएम ने यूपी के गुनाहों को पूरी तरह से साफ करने की जो कसम खाई थी उसे पूरा करने के लिए पुलिस ने काम करना भी शुरू कर दिया है। आलम यह है कि अब इन दहशतगर्दों को या तो यूपी छोड़कर भागना पड़ेगा या फिर उन्हें 2 गज जमीन के नीचे दफना दिया जाएगा। देखिए एक बेहद खास रिपोर्ट। एक्शन के मूड में प्रशासन, दहशतगर्दों का एनकाउंटर, आतंक के आका मांगे जान की भीख। यूपी पुलिस इन दिनों सिंघम बनती जा रही है। घनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में तेजी से फल फूल रहे अपराध पर सीएम ने अपने तेवर सख्त किए हुए हैं और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने अब अपने हथियारों पर लगी जंग को साफ कर लिया है। यूपी पुलिस बदमाशों का सफाया करने की ठान चुकी है। बात करें अब तक यूपी में हुए एनकाउंटरों की तो इसकी संख्या करीब 3000 से ज्यादा पार हो चुकी है। आलम यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ठोकर नीति के आगे अब बदमाशों के भी पसीने छूटने लगे हैं। बागपत, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, शामली, बिजनौर, आजमगढ़ और गाजियाबाद ये कई ऐसे जिले हैं जहां पुलिस ने कई इनामी बदमाशों को पकड़ने का काम किया है। तो कई बदमाश पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में खाकी की गोलियों का शिकार भी बने हैं। वहीं अगर साल 2017 से लेकर अब तक हुए एनकाउंटरों पर नजर डालें तो सहारनपुर में पुलिस ने 50,000 के इनामी मंसूर उर्फ मच्छू पहलवान को मार गिराया था। शताब्दी नगर परतापुर में 50,000 का इनामी हसीन मोटा मारा गया था। सरूरपुर में चश्मदीद गवाह सवित्री का हत्या में 50,000 का इनामी सुजीत जाट ढेर हुआ था। सरधना में 50,000 का इनामी बदमाश इरशाद का एनकाउंटर हुआ। सहारनपुर में 50,000 का इनामी बदमाश मोहम्मद हाफिज ढेर हुआ। दौराला में 1,00,000 के इनामी जुबैर को पुलिस ने मार गिराया। पल्लवपुरम में 1,00,000 का इनामी शकील और 25,000 का इनामी भूरा मुठभेड़ में मारा गया। शाहिबाबाद में 1,00,000 का इनामी बदमाश मेहरबान भी ढेर हुआ। शामली का इनामी बदमाश शाबिर मुठभेड़ में मारा गया। गुनाहगारों और दहशतगर्दों में पुलिस का खौफ देखते ही बन रहा है। अब अपराधी भी हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं या फिर अपराध करने से तौबा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की माने तो हर हाल में बढ़ते अपराध को रोकना और बदमाशों को सिकंजे में लेने का काम बदस्तूर जारी है। यूपी में हो रहे बदमाशों के ताबड़तोड़ एनकाउंटरों से अब जनता में भी पुलिस के प्रति विश्वास की लौ जगी है। योगी राज आने के बाद जनता अब खुद को महफूज महसूस कर रही है। बता दें ये वही उत्तर प्रदेश राज की पुलिस है जिस पर कभी गुंडा राज को शरण देने के आरोप लगते रहते थे, लेकिन अब निजाम बदल चुका है तो यूपी पुलिस का मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल डेस्क लाइव खबर। यूपी पुलिस भले ही इनामी बदमाशों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, लेकिन अगर महिला सुरक्षा को या गरीब को न्याय दिलाने जैसे मुद्दों पर नजर डालें तो अभी भी ऐसे कई मुद्दों की फाइलें पुलिस विभाग में धूल फांक रही हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद प्रशासन के पास भी नहीं है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर।